Assalamualaikum students. I hope so you all are fine. Today we will start our lecture number one after summer vacations. Now we will start chapter number two. We have completed chapter number one. Chapter number two is about sense organs. In this chapter, we will study about different sense organs, about their structure and their function. First of all, I will tell you about today's diary. Today's diary is do proper reading of.

now move to the page number 17 and uh, start reading uh, from here. the world around us is very interesting. allah almighty has blessed us with five sense organs to enjoy the world. sense organs are special parts of our body that tell us about what is going on around us. our eyes, ears, skin, nose and tongue are our. सेंस ऑर्गन्स हमारे फाइव सेंस ऑर्गन्स हैं जिसमें आईज ईयर्स, स्किन नोज एंड टंग शामिल है ठीक है ऑल द सेंस ऑर्गन्स आर लिंक्ड टू द ब्रेन बाय नर्व्स ये सब के सब सेंस ऑर्गन्स ब्रेन के साथ लिंक होते हैं और ब्रेन हेल्प करता है इन सेंसेस को uh, uh, महसूस करने में ठीक है नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है द आई इन दिस टॉपिक वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई एंड द of eye and their function okay we see with our eyes our eyes are uh, our eyes tell us about color shapes and movements of object around us the eye is an organ of sight eye is an organ of sight means the human eye consists of an eyeball दी आई इज कवर्ड विद आईलेट्स आई आईलेट से कवर हुई होती है आई लैशे आई लेट की प्रेजेंट होते हैं ऊपर की आईलिट जो होती है उसके अंदर टीयर ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं यानी आंसुओं के ग्लैंड जो होते हैं मेन पार्ट ऑफ अवर आई आर कॉर्निया आईरिस प्यूपल लेंस, रेटिना एंड ये जो हैं हमारे पास आई के मेन पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट इज कॉर्निया यहाँ पे आपको डायग्राम शो करवाई हुई है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई की इसमें फर्स्ट पार्ट आपको शो करवाया हुआ है दैट इज कॉर्निया कॉर्निया क्या करता है कि लाइट की रेस को कैप्चर करता है और प्यूपल की तरफ मूव करता है लाइट रेस को और रेटिना के ऊपर डिटेक्ट है. है, तो करते हैं और ऑप्टिक नर्व तक सिग्नल भेजते हैं ऑप्टिक नर्व ऑप्टिक नर्व इस सिग्नल को लेकर ब्रेन की तरफ जाती है इस तरह से एक इमेज बनता है हमारी आई के ऊपर और जो इमेज बनता है वो इमेज फिर हम अपनी आंख से देख सकते हैं नाउ मूव टू द पेज नंबर 18 फर्स्ट फर्स्ट पार्ट ऑफ आई इज कॉर्निया इन द फ्रंट ऑफ आई द ट्रांसपेरेंट पार्ट इज इज कॉल्ड कॉर्निया पहला पार्ट क्या कहलाता है कॉर्निया कहलाता है ट्रांसपेरेंट मीन इसका कोई कलर नहीं होता यानी शफाफ होता है लाइट रेज एंटर द आई थ्रू द कॉर्निया लाइट रेज कॉर्निया के जरिए आंख के अंदर दाखिल होती हैं

आंख के अंदर एक कलर्ड पोर्शन होता है जो, जो किसी का ब्लैक होता है किसी का ब्राउन या हेजल कलर ये हमारे पास पोर्शन क्या कहलाता है आयरस कहलाता है देयर इज होल इन मिडल ऑफ द आयरस नोन एज प्यपल आपने नोट किया होगा आपके ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है बड़ा इसके अंदर एक छोटा सा बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है प्यपल कहलाता है दिस प्यपल कॉन्ट्रैक्ट्स इन ब्राइट डे लाइट एंड एक्सपैंड इन डिम लाइट ये दिन में जो है कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है सुकड़ता है जब ज्यादा लाइट होती है और जब लाइट कम होती है तो ये फैल जाता है ठीक है ये एक्चुअली हेल्प करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लेंस बिहाइंड द पीपल अ फ्लेक्सिबल लेंस इज प्रेजेंट एक फ्लेक्सिबल लेंस हमारे पीपल के पीछे प्रेजेंट होता है द लेंस हेल्प्स द आई टू फोकस लाइट लाइट को फोकस करने में हेल्प करता है ठीक है नेक्स्ट इज रेटिना द लाइट सेंसिटिव पोर्शन ऑफ द आई बॉल इज कॉल्ड रेटिना जो लाइट सेंसिटिव पोर्शन सबसे सेंसिटिव पोर्शन जो आई का होता है वो क्या कहलाता है रेटिना कहलाता है आई लेंस फॉर्म्स द इमेज ऑन द रेटिना आई का लेंस इमेज किस पे बनाता है रेटिना पर बनाता है आपसे यहाँ पर क्वेश्चन किया जा सकता है ऑन विच पार्ट ऑफ द आई इमेज इज फॉर्मड दिस इज द रेटिना ठीक है ऑप्टिक नर्व

आपको शो किया गया है लाइट रेज एंटर होती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कॉर्निया में देन देन फ्रॉम कॉर्निया इट एंटर्स टू टू द द द एंड पास लाइट लाइट रेज रेज लेंस लेंस फोकस ऑन रेटिना एंड मेक एन इमेज ऑन रेटिना रेटिना से नर्व सिग्नल्स ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन की तरफ जाते हैं इस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर शेप या उसकी मूवमेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं इसके बाद नेक्स्ट है डू यू नो अवर आई इज सिमिलर टू कैमरा हमारी आंख कैमरा जैसी होती है रेटिना बट कैमरा हमारी आंख के अंदर जो लेंस होता है वो रेटिना के ऊपर इमेज बनाता है कैमरा के अंदर जो लेंस होता है वो फिल्म यानी उसके अंदर जो स्क्रीन होती है उस पर इमेज बनाता है ठीक है यहाँ साइड पर एक ये बॉक्स दिया गया है इसे देखिएगा इंटरेस्टिंग फैक्ट द लेंस इन योर आई कैन चेंज इट्स शेप टू सी नियर एंड फार ऑब्जेक्ट्स हमारी आंख का जो लेंस है वो करीब की और दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखते हुए अपने शेप को थोड़ा सा चेंज कर लेता है इट बिकम्स थिक टू सी नियर ऑब्जेक्ट्स करीब के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए थिक हो जाता है इट बिकम्स थिन टू सी फार ऑब्जेक्ट्स दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखते हुए ये थोड़ा सा थिन हो जाता है मतलब थोड़ा सा फैल जाता है यहाँ तक आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे इनशाला नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे द ईयर uh, जितने ये पॉइंट्स मैंने अपने रीडिंग बुक में हाईलाइट किए हैं यू हैव टू हाईलाइट दीज पॉइंट्स ऑन योर रीडिंग बुक एंड यू हैव टू लर्न क्विज क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक फ्रॉम योर नोट्स आई होप सो यू हैड परचेज योर नोट्स आपने परचेज कर चुके होंगे आप नोट्स और उसमें से आपने इसे सारे ये आ, कुछ क्वेश्चन वन टू फोर्टीन जो है वो याद करने हैं